हाय गाइस, मेरा नाम है ओम और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा यूट्यूब चैनल ग्रीन गार्डन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे और आपकी गार्डनिंग बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आपकी गार्डनिंग को और अच्छा और बेहतर बनाने के लिए आज मैं आपके लिए ऐसे चार फर्टिलाइज़र लेके आया हूँ जो आपके घर से ही निकलते हैं और अक्सर आप उन्हें फेंक देते हैं। दोस्तों, इन फर्टिलाइजर्स का यूज़ करने के बाद आप केमिकल फर्टिलाइजर्स की तरफ देखेंगे भी नहीं, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ। पर दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, गार्डनिंग में बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। ये जितने भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स होते हैं वो थोड़ा देर से रिएक्ट करते हैं, थोड़ा देर से अपना असर दिखाते हैं, तो थोड़ा सा पेशेंस रखना है और 15 से 16 दिन के अंदर आपकी प्लांट की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाएगी। आपको अपने फर्टिलाइज़र का रिजल्ट आपको दिख जाएगा 15 से 16 दिन के अंदर। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, ऑल पे क्लिक कीजिए, जिससे कि आपको हर नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। दोस्तों, जो पहला फर्टिलाइजर है वो है टी वेस्ट, या फिर आप कॉफी वेस्ट भी ले सकते हैं। ये आपकी किचन से रोज निकलता है, आप रोज इसे फेंकते हैं, पर आपको ये नहीं पता कि ये आपके पौधों के लिए कितना बेनिफिशियल है, कितना फायदेमंद है। पर दोस्तों, आपको इसे अपने पौधों के ऊपर डायरेक्टली नहीं यूज करना, आप इसको पहले अच्छे से धो लीजिए और फिर इसको आपको सुखाना है 2 दिन के लिए, फिर आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस छलने की मदद से आप इसको अच्छे से वॉश कर लीजिए, इसकी पूरी मिठास निकाल लीजिए, फिर आप इसको 2-3 दिन के लिए इसको धूप में सुखा लीजिए, फिर आप इसको अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो अगला फर्टिलाइजर है वो है अनियन पील्स। ये आपके रसोई से रोज निकलती हैं, प्याज को छीलने के बाद जो उसके छिलके बच जाते हैं उसे आप ले लीजिए और 2 दिन के लिए पानी में भिगो दीजिए। जो पानी का कलर है वो पूरा चेंज हो जाएगा और आप उस पानी को एज अ फर्टिलाइजर यूज कर सकते हैं अपने पौधों पे। दोस्तों, जो नेक्स्ट फर्टिलाइजर है वो है काउडंग की। ये कम्प्लीटली डिकम्पोज नहीं होता, ये बस सुखाया होता है सनलाइट में, और आप इसे अपने पौधों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका पाउडर बना लीजिए या फिर आप इसको भिगो दीजिए पानी में, फिर आप उस पानी को अपने पौधों में डाल दीजिए, तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है आपके पौधों के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र है आपके पौधों के लिए। दोस्तों, नेक्स्ट फर्टिलाइज़र को सुन के तो आप चौंक जाएंगे कि ये चीज़ इतनी इम्पॉर्टेंट हो सकती है। जब आप चावल को उबालते हैं तो जो मांड निकलता है, जो पानी निकलता है, वो है ये, और ये इतना बेनिफिशियल होता है आपके पौधों के लिए। इसमें इतने सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, बस आपको इसे 2 घंटे के लिए ठंडा कर लेना है, फिर आप इसे अपने पौधों में डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं बिना डाइल्यूट करें। दोस्तों, ये चारों फर्टिलाइज़र ही बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं आपके पौधों के लिए और आपको 100% रिजल्ट मिलेगा, बट थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, इंस्टाग्राम पर भी आप हमें फॉलो कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।